और सभी मैं आपको इस घर का वॉक टूर दिखाता हूँ। 30 बाई 40 फीट में बना हुआ घर है। एक हॉल, दो बेडरूम, कॉमन टॉयलेट एंड बाथ, इस तरह से बना हुआ है। बहुत ही सुंदर और शानदार घर, और चौखट का भी काम हुआ है। हाँ रे, तो अब हम चलते हैं यहाँ से। एक बेडरूम इधर है, फिर हॉल का दूसरा व्यू यहाँ से आता। और इधर एक बेडरूम, दो विंडोज़ लिया गया, बट शेल्फ जो है इस तरफ लिया गया, वेस्ट की तरफ। एंड यहाँ पर ये एल शेप में छज्जा लिया गया नॉर्थ की तरफ, अभी विथ अटैच टॉयलेट एंड बाथ है। एक बेडरूम, सॉरी कॉमन टॉयलेट एंड बाथ है ये। यहाँ पर दो टॉयलेट रूम लिया गया, सो एक अटैच पड़ेगा, एक कॉमन, और सामने की तरफ जो है ना एक हैंड वॉश आ जाएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा अंदर गया है माल, इसको आप लोग कंपलसरी क्लीन कर लीजिएगा जब का जब। इस यहाँ पे भी टाइल्स आ जाएगा, ये कॉमन बाथरूम। चमक रहा है यार। तो यहाँ से और एक बेडरूम और किचन में मैं दिखाता हूँ। ये पूजा रूम है। ये चौखट लगाए गए, देखिएगा यहाँ पर भी। तो सीमेंट से लकड़ी ख़राब होता है दोस्तों, तो थोड़ा सा ख्याल रख लीजिएगा उसका। ये पूजा रूम है। पूजा रूम में आप टाइल्स पूरा फुल लगाए तो बेस्ट है। देखो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इसमें। ये पैक ज़रूर कर लियो, ये बहुत प्रॉब्लम करता। देखो फ्यूचर में घर तो ये वन दिख रहा है। प्लास्टर का काम अच्छा सा बढ़िया सा किया गया, मेरे को भी पसंद आया। रफम लगाने के बाद और बेस्ट दिख रहा है। ये एक बेडरूम है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की तरफ, चिल्ड्रन बेडरूम। वेस्ट फेस के लिए इस तरह से बना सकते हैं आप लोग घर। बेड भी डाले गए पूरा फुल। तो काम भी फास्ट हो रहा है, काफी जल्दी जल्दी। तो एक बार सभी मैं आपको एक अच्छा सा सुंदर सा घर का जो है वॉक टूर दिखाया हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, शेयर करो दिया इसको। एंड यहाँ पे लाइट पॉइंट क्यों दिया बोले तो, यहाँ से जो है ना आप लोग इसके अंदर लाइट्स छोड़ सकते हैं। ये प्री प्लान रहना चाहिए इसके लिए। ओके, थैंक यू।